गुड मॉर्निंग क्लास, आज अपन जो है एक नए सिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो इससे पहले जो है अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर ली है, अपन ने जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर ली है, सेम वैसे ही जो है अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, मतलब ये किस प्रकार से जो है ये फंक्शनल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जनरली अपन बात करते हैं एक लिक्विड फ्लूइड जो कि कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर फ्लो होता रहता है, दैट इज ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे ब्लड, राइट। इसके बाद में सेकेंड ब्लड को जो है पंप करने वाला एक ऑर्गन होता है, पंपिंग ऑर्गन, राइट। दैट पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। सेकेंड अपन बात करेंगे पंपिंग ऑर्गन, दैट इज हार्ट, राइट। अब जैसे पंपिंग ऑर्गन जो है ब्लड को पंप तो कर रहा है, बट ऑब्वियसली कोई ना कोई जो है ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होंगे बॉडी के अंदर जिसके थ्रू जो है ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहता है, एंड दीज पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ब्लड वेसल्स, राइट। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, जब भी अपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, वी ऑलवेज काउंट टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स। नंबर वन दैट इज ब्लड, नंबर सेकेंड इज हार्ट, एंड नंबर थर्ड इज ब्लड वेसल। टुडे वी विल टॉक अबाउट ब्लड, आज जो अपन ब्लड के बारे में बात करेंगे, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट हार्ट। तो ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड जो है औसतन ह्यूमन बींग के अंदर 5 to 6 liter पाया जाता है, दैट इज 5 to 6 liter, राइट। 5 to 6 liter ब्लड जो है ह्यूमन बींग के अंदर पाया जाता है, और इसकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको बोलते हैं हीमोफोरेसिस। हीमोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू कंटिन्यूअसली जो ये फॉर्म होता रहता है, इसके फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वो हमेशा बोन मैरो में होती है। बोन मैरो के अंदर कंटिन्यूअसली ब्लड जो है फॉर्म होता रहता है। ब्लड जो है जनरली रेड इन कलर होता है, राइट। अब कलर के अंदर ये रेड होता है, बट ये रेड क्यों होता है इसका भी एक रीजन है, इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है दैट इज हीमोग्लोबिन, दैट इज हीमोग्लोबिन। इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से जो है ये कलर के अंदर हमेशा रेड दिखाई देता है, राइट। अब ये कुछ बेसिक चीजें थी जो कि ब्लड के बारे में थी। ब्लड जो है इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार अपन, देन वी टॉक अबाउट इट्स अ कंपोजिशन। इसी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसका जो है मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ये जो है बॉडी के अंदर फूड मटेरियल जो भी है उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसफर करने का काम करता है। आई होप आपको पता होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मैंने बताया भी था, माउथ से अपन खाना खाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से डेफिनेटली जो एब्जॉर्ब फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर पहुंच रहा होगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड जो है किसमें मिक्स हो जाता है? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद में जो है वो फूड बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाता है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इट प्लेज इट्स अ वाइटल रोल। सेकंड जो है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ये जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है, राइट। इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन, इट ट्रांसपोर्ट्स एंजाइम्स, ये हार्मोन और एंजाइम्स को भी ट्रांसफर करने का काम करता है। ट्रांसफर गैसेस, राइट। गैसेस एक्सचेंज के अंदर भी ये हेल्पफुल होता है, राइट। जैसे अपन रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो इनहेल और एक्सहेल के अंदर जो भी गैसेस अपन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो प्रोसेस भी कहीं ना कहीं किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू ही होती है। इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, ये जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, राइट। बॉडी टेम्परेचर को कहीं ना कहीं जो है ये मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट
बॉडी के अंदर जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसको अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिलीज कर रहे हैं, उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को जो है रिमूव करने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। सो हेल्पफुल इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस को रिमूव करने के अंदर काम में आता है। देखो फूड मटेरियल को जो है ट्रांसपोर्ट कर रहा है, राइट। सेकंड, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हॉर्मोन्स एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस एक्सचेंज या गैसेस ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा जो भी नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है फॉर्म हुए हैं, उनको भी जो है ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जो है कैरी करने का काम करता है, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। जस्ट पहले बताया ब्लड जो है बॉडी के अंदर 5 to 6 लीटर पाया जाता है। इसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 7.4 के समथिंग, 7.4 जो इसका पीएच होता है। इसकी स्टडी है, स्टडी को बोलते हैं हीमेटोलॉजी। स्टोक अबाउट द कंपोजिशन, इट इज मेड ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन इज प्लाज्मा, नंबर सेकंड इज ब्लड कॉर्पसल्स। ऑलराइट, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं तो ब्लड जो भी अपनी बॉडी के अंदर पाया जा रहा है 5 to 6 लीटर, इसका जो है प्लाज्मा 55% पार्ट बनाता है। कितना परसेंट पार्ट बनाता है? 55% पार्ट। मेनली प्लाज्मा जो है वॉटर से मिलकर बना होता है। इट इज मेनली कंपोज ऑफ वॉटर। वी कैन से प्लाज्मा के अंदर 92 to 95 के समथिंग परसेंटेज जो है वो वॉटर की पाई जाती है। रिमेनिंग के अंदर जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, वाइटामिन पाई जाती है, वेराइटीज ऑफ प्रोटीन्स पाई जाती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्पफुल होती है, वो रिमेनिंग के अंदर पाई जाती है। तो टोटल ब्लड का 55% पोर्शन जो है वो प्लाज्मा से मिलकर बना होता है, और इस प्लाज्मा का भी मेनली कंपोजिशन जो है वो वाटर होता है। रिमेनिंग के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो है उसके बहुत बेसिक से फंक्शन होते हैं, वो जो भी मटेरियल है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर ट्रांसप्लांट करने के अंदर जो है प्लाज्मा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इज आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एंड नंबर 3 इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो आरबीसी जो है ये सबसे पहले बात करते हैं ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स जो है ब्लड का 45% पार्ट बनाती है। कितना परसेंट पार्ट बनाती है? 45% पार्ट बनाती है। इस 45% रीजन के अंदर भी आरबीसी जो है अप्रोक्सीमेटली 95% के समथिंग पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 95% के समथिंग पाई जाती है। रिमेनिंग 5% के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। आरबीसी को आरबीसी क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर रेड इन कलर। व्हाई दीज आर रेड इन कलर? बिकॉज दे हैव हीमोग्लोबिन अ पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द आरबीसी। आरबीसी का मेन फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये गैसेस को जो है एक्सचेंज करने का काम करती है। इसके बाद में बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है ये 2 to 3% पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी जो है ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर 2 to 3% पाई जाती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है, पिगमेंट लेस होती है। दैट्स व्हाई दीज आर वाइट इन कलर। इसी की वजह से जो है ये कलर के अंदर वाइट होती है। ऑलराइट, इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी को जो है प्रोवाइड कराने का काम करती है। जस्ट लाइक वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिसऑर्डर और डिजीज, अपन किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज से सफर कर रहे हैं तो उस डिसऑर्डर और डिजीज से फाइट करने का काम जो है डब्ल्यूबीसी करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। ये भी 2 to 3% पार्ट बनाती है। दे ऑल्सो फॉर्म 2 to 3% पार्ट ऑफ टोटल ब्लड कॉर्पसल्स। ऑलराइट, प्लेटलेट्स जो है ये इन्यूक्लिएटेड होती है, इन द सेंस इनके अंदर जो है कोई किसी प्रकार का कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है टू हेल्पफुल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। सपोज दैट कि अपनी चोट लग गई है, इंजरी हो गई है, उस टाइम पे कंटिन्यूसली जो है ब्लीडिंग होती रहती है, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो है वहाँ पे आकर इकट्ठी हो जाती हैं, एक क्लोट को फॉर्म कर देती है, जिसकी वजह से जो है ब्लड बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। आरबीसीज आर हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज।
WBCs are providing immunity and platelets are helpful in the formation of water coagulation, right? RBC red color की होती है, enucleated होती है, इनमें nucleus नहीं होता है, alright? Thanks, have a nice day.